आपने इसे देखा है? अगर देखा है तो सरकार की तरफ से 250 रुपया इनाम मिलेगा। आखिर इसने मेरा नाम पुलिस को क्यों नहीं दिया? Thank you, lady. तुम? हाँ मैं। जब पहचान ही लिया था तो अंग्रेजी पुलिस को खबर क्यों नहीं दी मेरी? 250 रुपए का इनाम कम नहीं होता। सिर्फ पैसे कमाने हो तो बहुत काम है करने के लिए। देश के लिए लड़ने वाली वीरांगना का पर्दाफाश करना उनमें से एक नहीं। अंग्रेजी सरकार को किसी क्रांतिकारी की खबर देकर पैसे कमाने वाला मर्द नहीं है। मेरे लिए देश का अस्तित्व सबसे बढ़कर है, मेरी जान से बढ़कर है। सुनो सुनो सुनो, रास्ता खाली करो, वॉइस रॉय जनरल आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जान खतरे में हो सकती है तुम्हारी। अजीब सा लग रहा है, बहुत बेचैन सा मन है। आज पति बाबू आएंगे तब जान लूंगी कि धड़कन रुकती है या नहीं। अंधता, कुछ नहीं मोहन था, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अपना चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है मानो दिल की धड़कन थम गई हो तुम्हारी। आपको ऐसे देखकर मेरी दिल की धड़कन थमेंगी नहीं क्या? और आपको ये चोट कैसे लगी? चलिए बैठिए, आपके लिए घी और हल्दी लाती हूँ मैं। नहीं मोहन था, उसने अच्छे से पट्टी बांधी है यहाँ पर। उसने? किसने? अब क्या फर्क पड़ता है बोंधता, अब चोट पर पट्टी बंधी है ना। ठीक हूँ मैं, तुम मेरी चिंता मत करो, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम क्या पढ़ रही थी? कबीर जी के दोहे। अरे वाह, सुनाओ। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न पूछे कोई, आठ पहर फीका रहे, प्रेम कहाँ सोए। वाह, प्रेम के बारे में कितना अच्छा लिखा है ना संत कबीरदास जी ने। बहुत अच्छी किताब पढ़ रही हो तुम बोंधता। जानती हो बोंधता, ये पूरा संसार जीवित है तो सिर्फ प्रेम के भरोसे। प्रेम में इतनी
ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। पर बंधुता, प्रेम हर किसी के लिए अलग होता है, हर किसी के लिए प्रेम का मतलब अलग होता है। जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के लिए, भाई का अपनी बहन के लिए, हर रिश्ते में प्रेम की परिभाषा अलग होती है। सबसे सुंदर बात तो यह है कि प्रेम में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, वो बस होता है। जब किसी को प्रेम होता है ना, तो प्रेम तूफान की तरह आता है और उस इंसान को अपने अंदर समा ले जाता है। जानती हो बंधुता, कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है किसी के साथ प्रेम करने में, और कभी पहली पहली नजर में जिंदगी भर के लिए किसी के साथ प्रेम हो जाता है। वो प्रेम जिंदगी भर आपको प्रेम वाला एहसास दिलाता है। तब आपको पता चलता है कि प्रेम का एहसास क्या होता है। पति बाबू, ये लीजिए, चोट ठीक हो जाएगी। और कभी कभी जब आपकी दिल की धड़कनें थम जाएं, तभी तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा होता है ना पति बाबू? क्या कहा तुमने बंधुता? मैं अभी आई पति बाबू। बंधुता, किसी कबीर दास जी की किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। ₹150 ही इकट्ठा हुए हैं, उम्मीद है कल तक बंधुता के स्कूल की पूरी फीस जमा हो जाए। बैरिस्टर बाबू बंधुता। क्या हुआ? बिनॉय की प्रतीक्षा कर रही हो? सोच रही हो कि कब बिनॉय आए और तुम कब उसे अपने क्रिया चरित्र में फंसा कर अपनी योजना पूरी कर सको। घर के बड़े बेटे को पहले ही उसके अपने घर से निकलवा चुकी हो, इतना सब करके भी मन नहीं भरा तुम्हारा? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हम तो बात ही नहीं करना चाहते तुमसे, पर क्या करें, किसी ना किसी को तो सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें। ये इसके लिए कर रही हो ना तुम सब? कान खोल कर सुन लो संपूर्णा, तुम चाहे जितना भी बिनॉय को बहला लो, फुसला लो, या फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लो, इस घर की सत्ता की चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली।
और हाँ, अगर ये सोच रही हो कि रॉय चौधरियों का अगला वारिस तुमसे आएगा तो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी अनिरुद्ध और उसके भाई वारिस हैं। और अगला वारिस अगर कोई रॉय चौधरी खानदान को देगा तो वो हमारी बौंदेदा बहू, समझी? अनिरुद्ध और बौंदेदा से मिलना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों वापस लौटने का सोचे भी नहीं। बौंदेदा, तुम छत कैसे गिर गई पति बाबू? तो नहीं बौंदेदा, पर इसके नीचे तुम्हारी सारी किताबें, तुम्हारी स्कूल की फीस जमा की थी बौंदेदा, वो गुल्लक। किताबें तो फट गई है पति बाबू। पैसे भी सारे बर्बाद हो गए, तुम्हारी स्कूल की जितनी फीस जमा की थी बौंदेदा, सारा सारा पैसा बर्बाद हो गया बौंदेदा। तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करने की तारीख में सिर्फ 2 दिन बचे हैं बौंदेदा, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे फिर से? अब चिंता मत करो पति बाबू, सब ठीक कर देंगे दुर्गा माँ। हाँ बौंदेदा, बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो दुर्गा माँ ने मुझे सही समय पे भेजा है यहाँ। क्या हुआ अनिरुद्ध बाबू? मैं तो बस ये याद दिलाने आई थी कि बौंदेदा के विद्यालय का शुल्क जमा करना है 2 दिन में, पर यहाँ तो आसमान गिर पड़ा है आप दोनों पर। अब मेरा मतलब छत गिर पड़ी है। हमें आपकी दया और सहानुभूति नहीं चाहिए, छत गिर गई तो मिलकर फिर से बांध लेंगे पति बाबू। हाँ बौंदेदा, छत तो तुम बांध लोगी, पर ये जो पैसे खराब हुए हैं इसका क्या करोगी? वैसे दुर्गा माँ ने तो मदद ही की है ना आपके अनिरुद्ध बाबू, अपना वचन ना निभाने का बहाना जो मिल गया आपको। अब रॉय चौधरी हवेली तो आपकी है, आप वहाँ से पैसे ले लोगे तो क्या हो जाएगा? सर झुकाना पड़ेगा, आंखें नीची करनी पड़ेगी, पर विद्यालय का शुल्क तो भर जाएगा ना? एक पैसा नहीं लूंगा मैं। और जो मैंने कहा है कि अपने बलबूते पर बौंदेदा की स्कूल की फीस जमा करूंगा तो करूंगा, और वो भी सही तरीके से। बौंदेदा, 2 दिन में तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। हर हाल में बौंदेदा की स्कूल की फीस जमा होगी और बौंदेदा स्कूल जाएगी। किसी की भीख या एहसान से दबकर नहीं, बौंदेदा सर उठाकर स्कूल जाएगी। स्कूल जाएगी, मेहनत से पढ़ाई करेगी और बैरिस्टर बाबू बौंदेदा बनेगी। मेरी इस बात को याद रखना। अरे अनिरुद्ध बाबू, आप? अरे आज तो कर्मचारियों की हड़ताल है, कचहरी तो बंद है आज। कर्मचारियों की हड़ताल? जी। बौंदेदा की स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास आकर मिले मुझे। कौन हो तुम?
तुम्हारा नाम क्या है? मैं? वैसे नाम में क्या ही रखा है, तुम चाहो तो मुझे सुलोचना, अश्विनी, जो पसंद है वो बुला सकते हो। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? तुम्हें अपनी पत्नी की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है ना, जमींदार अनिरुद्ध रॉय चौधरी। गलत, जमींदार नहीं, बैरिस्टर, बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। जी बैरिस्टर साहब, पर ये तो सच है ना कि आपने तुलसीपुर में औरतों की भलाई के लिए बहुत काम किया है, उन्हें न्याय दिलाने का एक जुनून सवार है आपके सिर पर, उसके काफी किस्से सुने हैं मैंने। मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे है आपके पास? रिश्ता जो जोड़ना है तुमसे। एक क्रांतिकारी हूँ और एक अच्छी जासूस भी, इसलिए अपने काम के लिए भगवान को तब ढूंढ सकती हूँ मैं। हमारा यू बार बार टकराना कोई इत्तेफाक नहीं, एक मकसद है। मकसद? कैसा मकसद? तुम्हें पैसों की जरूरत है और जहाँ तक कि मैं देख सकती हूँ तुम न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बाबू को देखकर मेरे गाल भी लाल हुए और मैं खुश भी बहुत हुई थी, अब तो कुछ कुछ समझ आने लगा है मुझे। हाँ पर उसके बाद क्या किया आपने? क्यों, उसके बाद भी कुछ करना होता है क्या? अरे खुशी है तो उसे बताना और दिखाना भी पड़ता है जमींदारनी जी। अच्छा मैं पति बाबू को बोल दूं कि मेरी क्या भावना है? अरे बोल कर नहीं, कुछ करके दिखाना पड़ता है अपने पति बाबू को। जैसे आपके पति बाबू करते हैं, उन्होंने शौचालय बनाया ना आपके लिए। हाँ, मेरे लिए लड़कर मेरे विद्यालय में दाखिला भी करवाया उन्होंने। मेरा बिस्तर गीला करने की समस्या भी उन्होंने दूर की। महावारी के बारे में उन्होंने समझाया मुझे। मेरी परेशानी का एक ही हल है, मेरे पति बाबू। मेरे एक क्रांतिकारी साथी को मुझे जेल से भगाना है। मेरे सारे क्रांतिकारी साथी शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं, और इस वक्त मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो साहसी हो, उसमें एक जुनून हो, जो बुद्धिमान हो, तेज हो, जिसके अंदर देश की आजादी की एक आग हो, सच्चाई और न्याय का साथ देने का जुनून हो। तुम चाहते तो उस दिन मुझे पकड़वा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अगर मैंने अपने साथी को नहीं छुड़वाया तो वो अंग्रेज उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, और फिर एक बार एक हिंदुस्तानी आजादी का सपना देखने वाला आजादी की सुनहरी सुबह देखे बिना ही चला जाएगा। कैसे मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? तुम उसे जेल से भगाने के लिए एक अच्छी योजना तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन हाँ, देश की आजादी इतनी भी सस्ती नहीं, अगर पकड़े गए तो अंग्रेज वही के वही गोली मार देंगे। लेकिन ये वादा करती हूँ कि अगर इस राह पर चलते हुए तुम्हारी जान चली गई तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी, वादा रहा। मैं तो बस ये याद दिलाने आई थी कि बोंदिता के विद्यालय का शुल्क जमा करना है 2 दिन में।
आपने क्या किया है उनके लिए? मैंने तो कुछ नहीं किया उनके लिए। आप ही मदद करो ना आशा लता दीदी, मुझे भी दिखाना है कि बोंदिता अपना पत्नी धर्म कितने अच्छे से निभा सकती है। बताओ ना क्या करूँ मैं। मैं तैयार। वैसे भी सब मुझे कहते हैं कि मेरे सर पर जुनून सवार रहता है, तो अब मेरा जुनून मेरे देश के काम आएगा। इस सब में अगर शहीद हो जाऊं तो इसे मेरे आजादी के जुनून का नाम दे देना। बस इतना करना। अपनी पत्नी बोंदिता की जिम्मेदारी उठाने का अवसर मिला है मुझे, उसे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, किसी हाल में नहीं। ये बात सही है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ बोंदिता के विद्यालय का शुल्क जमा करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद, बिना मेरे आदर्शों को ठेस पहुंचाए मुझे बोंदिता की जिम्मेदारी उठाने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब चाहे शहीद क्यों ना हो जाऊं, किसी बात का कोई अफसोस नहीं होगा मुझे। बताइए क्या करना है। चल सके कि अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो उनकी पत्नी बोंदिता भी उनके लिए कुछ भी कर सकती है। बोंदिता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमें अपने साथी को छुड़ाना है और ये मकसद पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। इस मकसद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी पत्नी बोंदिता को भी नहीं।